हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं दीप्ति, टॉप रिपोर्टर के शो सिटी बस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं रायपुर के कोर्टयार्ड में, जहाँ सार्थक टीएमटी का फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का सेलिब्रेशन कैसा हो रहा है। साल में टीएमटी सार्थक टीएमटी निकाय हैं, तो यही उम्मीद करता हूं कि और ऊंची स्तर पर आप पहुंचे और इस मंच में सिर्फ पूरी सार्थक टीम और एक ही साल में इतनी प्रगति सार्थक टीएमटी की, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक ही साल में इतनी उन्नति और काफ़ी प्रशंसा कार्य किए हैं सार्थक ने। व्यापार में ही नहीं बल्कि सोशल एंगेजमेंट्स जैसे बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत और अलग से बाकी एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक भी आना चाहिए, कर्नाटका में और साउथ इंडिया में अगर आएंगे तो फिर ज़रूर कुंभले वाला टीम।
पहले तो मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ सार्थक टीएमटी के फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। सर, आप हमें सबसे पहले तो बताइए कि आपका ये पहला साल, सार्थक टीएमटी का पहला साल कैसा रहा? आज का दिन 14 मई हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन होता है, क्योंकि पिछले वर्ष 14 मई 2017 में हमने एक हमारे नए प्लांट सार्थक टीएमटी की ओपनिंग की थी, जो पूरे इस एक साल में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है कि मार्केट में या स्टेट में या इंडिया में अपने आप में काफ़ी नाम कमाया है। इसके पीछे हमारी पूरी टीम ने, हमारी मार्केटिंग टीम ने बहुत मेहनत की है और उसी का फल आज देखने को मिल रहा है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुंबले जी हैं, जिन्होंने भी काफ़ी इस मामले में सहयोग किया हमारा, ये कहना चाहूँगा। तो ये थे विजय गर्ग जी, जो कि सार्थक टीएमटी के चेयरमैन हैं, और इनका कहना है कि यूँ तो इंडिया में काफ़ी स्टील्स मिलते हैं, पर सार्थक टीएमटी की तो बात ही कुछ और है। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिटी बस के एपिसोड में। मैं दीप्ति, कैमरामैन विकास के साथ, थैंक यू।